हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विजय। ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है स्केलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको जानना है स्केलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो इस पर लर्न मोर पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आपका एक पेज खुलेगा और आप इसे पूरा कम्प्लीट पढ़ सकते हैं। तो ये आपको डिटेल देगा स्केलर क्या है, इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए, आप हमें करना है इसे डाउनलोड। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और उस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ तीन ऑप्शन दिखा रहा है, देयर आर थ्री वे टू गेट स्टार्टेड विद स्केला। तो देखिए, आप जो थर्ड वे है उसे यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर एक IDE भी मिलेगी। तो आप जो भी IDE यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हम लोग इंटेल आइडिया वाली IDE यूज़ कर रहे हैं, जो स्केला प्लगइन के साथ आएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक जेट ब्रेन्स की साइट पे लेके जाएगी इस तरह से। देखिए, जेट ब्रेन्स की साइट से यहाँ पर आप करेंगे इसे डाउनलोड, और यहाँ पर अल्टीमेट और कम्युनिटी दो कहते हैं आपको वर्जन मिलेंगे। दोनों ही फ्री हैं। पहला जो फ्री है वो 30 डे ट्रायल के लिए, और आपका ओपन सोर्स है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे भी आप डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। देखिए, इसे डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है। बस कुछ चलते हैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना और आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इस तरह से आपको एक प्रोजेक्ट जैसा खुल के आएगा। तो आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा, एक बार मैच कर लीजिए कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, प्लगइन्स में जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर टाइप कीजिए स्केला। और देखिए, अगर स्केला यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये पहले से ही इंस्टॉल है। और अगर यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस पर क्लिक कीजिएगा और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और वो रन भी हो जाएगा। फिर ओके कीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया कॉन्फ़िगरेशन। फिर जाइएगा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है स्केला, और यहाँ पर SBT इसे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए फैचिंग SBT वर्जन, स्केला वर्जन। फिर ये आपसे आपके प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा, तो आप जो भी नेम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। हम दे रहे हैं CS Geeks 45, और ये सब सेटिंग सेम रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आपका SDK नहीं दिखा रहा है, तो देखिए जावा को आपको इंस्टॉल करना होगा पूरा अच्छी तरीके से, तब यहाँ पर आपका जावा वर्जन दिखाई देगा। और अगर जावा वर्जन इंस्टॉल करने के बाद भी आपका यहाँ पर जावा नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप जाएंगे न्यू पे, फिर आप जाएंगे सी पे, उसके बाद देना है आपको प्रोग्राम फाइल्स, और जहाँ पर आपका जावा का फोल्डर है वहाँ पर जाना है, जावा इसे खोलना है। इस पर जो JDK फोल्डर है उसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये आपका इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा 1.8 जावा वर्जन, जो भी आपका जावा का करंट वर्जन होगा वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर। अब देखिए, फिनिश करेंगे और ये हमारा चलते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा प्रोजेक्ट होने में, बूट होने में थोड़ा टाइम लेगा। और स्टार्टिंग में जब आप पहली बार इसे कर रहे होंगे, तो आपका SBT भी डाउनलोड होगा, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा SDB डाउनलोड करके, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छी तरह से, तब आपका प्रोजेक्ट पूरा क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कैसे एक सिंपल सा कोड लिखेंगे और उसे रन कैसे कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे कोई भी ट्यूटोरियल में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम आपके हेल्प जरूर करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।